हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वेब लेआउट। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे। सीएसएस क्या है, उसका यूज हमारे वेब पेज पे कहाँ होता है और कैसे होता है, वो सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दो इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीएसएस क्या है और एचटीएमएल क्या है। अब एचटीएमएल आप देख सकते हैं, एचटीएमएल के लिए मैंने क्या लिया है, एक डायग्राम लिया है। आप देख सकते हैं घर का एक डायग्राम है कि इधर पे ये किचन है, ये क्या है, मतलब पूरा डायग्राम बना दिया है, ठीक है। और सीएसएस क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं दूसरे साइड सीएसएस ने क्या किया, इस डायग्राम को मतलब एचटीएमएल को उसने डिजाइन कर दिया पूरा। आप देख सकते हैं डिफरेंट, आप इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एचटीएमएल क्या है और सीएसएस क्या है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में एचटीएमएल के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी एचटीएमएल पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं एचटीएमएल क्या है। और सीएसएस के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो अब देखिए सीएसएस क्या करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं सीएसएस का कम्प्लीट कोर्स का सीरीज। फ्रेंड्स, एक बात और, अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने फीडबैक मुझे दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन आप जब प्रेस करेंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, एक शॉर्ट बिल्कुल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सीएसएस है क्या। तो आप देखिए सीएसएस कंप्लीट कोर्स कंटेंट हम क्या क्या कवर करेंगे। सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, बॉर्डर क्या है, मार्जिन पैडिंग, बैकग्राउंड, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट्स, डिस्प्ले पोजीशन, ओवरफ्लो, फ्लोट, स्प्राइट इमेज, शैडो, 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया क्वेरी, ये सारा कुछ जो पार्ट है ये सीएसएस का पार्ट होता है। अब हम एक एक करके देखते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बस इस पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपका जो विजन है वो पूरा फ्लो क्लियर होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सीएसएस क्या है, सीएसएस स्टैंड फॉर द कास्केडिंग स्टाइल शीट, क्लियर। सीएसएस क्या करता है, वो एचटीएमएल एलिमेंट को डिस्प्ले करता है कि दिखाना कैसे है, उसको डिजाइन देता है, ठीक है। जैसे जब सीएसएस इज यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर द वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिजाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर द डिफरेंट डिवाइस एंड द स्क्रीन साइजेस। व्हाट इज सीएसएस 3? जैसे आप भी आपको सुनने में आएगा कि ये सीएसएस क्या है, सीएसएस 3 क्या है, जस्ट उसका सीएसएस का एक अपडेटेड वर्जन है सीएसएस 3, ठीक है। जब किसी जो कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई टेक्नोलॉजी होती है, उसका जब अपडेटेड वर्जन आता है ना, कुछ नए फीचर्स के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं सीएसएस में और सीएसएस 3 में क्या अंतर है। सीएसएस 3 जो है वो अपने साथ कुछ नए फीचर्स को लेकर आया, जैसे राउंडेड कॉर्नर लेकर आया, शैडो लेकर आया, ग्रेडियंट, ट्रांजिशन, एनिमेशन और ये सारी चीज़ें, फ्लेक्स बॉक्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें सीएसएस 3 में आया है। ओके फ्रेंड्स, अब सीएसएस को यूज कैसे करते हैं हम अपने पेज में। सीएसएस को यूज करने का तरीका एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इनलाइन है। मैं आपको यहाँ पर फटाफट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा पीपीटी के बाद बता दूँ, प्रैक्टिकल करेंगे हम सारा क्लियर कर जाएंगे। फिर सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं सिलेक्टर्स है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ, जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आपने जस्ट पीपीटी को ही समझ लिया ना, ये तब भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सीएसएस है क्या, और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब कोर्स आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जो सोचते हैं व्यूवर्स देख रहे हैं, सोचते हैं कि यार एचटीएमएल तो हमें पता नहीं है, तो एचटीएमएल के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपको। मैंने एचटीएमएल का पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं देख सकते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी, क्लास, ग्रुपिंग सिलेक्टर्स, फिर मार्जिन पैडिंग क्या होता है, ये सारा कुछ सम प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, फिर फॉन्ट्स क्या होते हैं, गूगल फॉन्ट क्या होता है, वेब फॉन्ट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, बॉर्डर क्या होते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं,
बैकग्राउंड क्या होता है, लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, रेडियल क्या होता है, शैडो इफेक्ट क्या होते हैं, लिस्ट एंड लिंक क्या होते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले की प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, क्या है पोजीशन, क्या करता है जेड इंडेक्स, क्या करता है ओवरफ्लो का, क्या रोल है फ्लोट, क्या करता है स्पैट इमेजेस को यूज कैसे करते हैं, 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ फ्लिक्स बॉक्स. ऑफ कोर्स फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बिना आज के समय में फ्लिक्स बॉक्स के बिना तो वेबसाइट आपकी बनी नहीं सकती, इतना इंपॉर्टेंट है फ्लिक्स बॉक्स. फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होते हैं, सारा कुछ हम आज के इस अपने ट्यूटोरियल में कवर करेंगे. तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ. आप देखिए कंटिन्यू हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम अपना मैं एडिटर खोलता हूँ, ठीक है. आप सिंपल सी पहले की तरह बिल्कुल HTML का जो सेक्शन लिखते हैं, डॉक टाइप HTML, HTML हेड मेटा. अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ठीक है. सबसे पहले मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अब देखिए मैं HTML के बारे में नहीं बताऊँगा ज़्यादा आपको. मैंने बताया ना HTML के बारे में, आपको ये पता होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि HTML का क्या होता है लेआउट, तो आपको पता होगा. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि हम किस चीज़ को कवर करने वाले हैं. मैं आपको अब PPT के माध्यम से आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि PPT में ही सब कुछ है. मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने PPT में दिखा दिया आपको, बस PPT देखते जाइए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए. अब देखिए यहाँ पर दिखाया है 3 ways टू इंसर्ट CSS स्टाइल शीट, मतलब 3 तरीके से CSS को आप अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं. कैसे, एक होता है एक्सटर्नल तरीका, एक होता है इंटरनल तरीका और एक होता है इनलाइन. एक्सटर्नल कैसे करते हैं देखिए, ये है एक्सटर्नल CSS. एक्सटर्नल में क्या होता है, आपको अपनी एक CSS की फाइल बनानी होती है, ठीक है. जैसे मान लीजिए आपने बनाया न्यू करके, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने इसको सेव किया Ctrl+S, आपको जहाँ पर सेव करना है, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी दे सकते हैं, इसको मेन लिख दीजिए चाहे स्टाइल लिख दीजिए, कुछ भी जो भी नाम देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हो, मैटर नहीं है. .css बस आपको ध्यान देना है कि उसका जो एक्सटेंशन होता है .css होता है, ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है. तो जैसे मैंने बताया आपको, मैंने style.css के नाम से ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर ली है. ये रहा हमारा फाइल style.css, ठीक है फ्रेंड्स. अब ये जो फाइल बन गई है, अब जो भी मेरा CSS होगा, जितना भी CSS मैं लिखूंगा इसके अंदर लिखूंगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा अभी क्या क्या है. और इसको मैं इंक्लूड करता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं आपको फाइल दिखाना चाहता हूँ कि फाइल कहाँ पर है. देखिए ये हमारा HTML का है और ये हमारा इमेज, मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये हमारा HTML की फाइल है और ये हमारा CSS, आप देख सकते हैं स्टाइल और CSS, अब दोनों एक फोल्डर के अंदर है. अब इसको यूज करना है. अब ये जो फाइल है ना, ये एक्सटर्नल तरीका, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, मतलब बाहर है. अब इसको यूज कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं ऑलरेडी लिखा हूँ लेकिन आपको फिर भी दिखाता हूँ, लिंक रिलेशन स्टाइल सीट हो गया, टाइप टेक्स्ट एंड CSS होता है, HRF मतलब कहाँ से उसको कॉल करना है, ये HRF मतलब लिंक कहाँ से. मान लीजिए अगर किसी फोल्डर के अंदर होता तो आप क्या लिखते, उस फोल्डर का नाम लिखिए, फोल्डर नेम डालिए स्लैश, फिर अपना जो आपका जो CSS का जो नाम है उसका डालिए style.css, ऐसे कॉल करते हैं. लेकिन यहाँ तो कोई फोल्डर तो है नहीं, तो साथ में है ना, आप देख सकते हैं भाई इसमें इंडेक्स भी है और स्टाइल भी है, आप इसे कॉल करेंगे style.css. अब आज के डेट में इसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप हटा सकते हैं. अब देखिए ये जो तरीका है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल तरीका CSS को इंक्लूड कराने का. अब इंटरनल तरीका क्या है, अब देखिए इंटरनल तरीका के लिए क्या होता है, अब इसी में हेड में एक स्टाइल टैग लीजिए अपना, स्टाइल टैग के अंदर अब जो भी आपका एलिमेंट है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. अब देखिए इस हेड के अंदर मैंने एक स्टाइल लिया है, इसी के अंदर अपना जितना स्टाइल लिखना है, H1 का लिखना है, कलर लिखना है, कुछ भी मतलब जो भी चाहिए आपको, मतलब यहाँ पर लिखते जाइए, ठीक है. P का लिखना है, फॉन्ट साइज लिखना है,
जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बट क्या होता है कि इंटरनल लिखने से क्या होता है ना, जो आपकी जो फाइल होती है ना बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए इंटरनल बहुत रेयर केस में थोड़ी बहुत अगर सीएसएस लिखना है तब हम लिखते हैं, अदरवाइज इंटरनल नहीं लिखते हैं। जो मेरा हम लोगों का जो मेन फोकस होता है एक्सटर्नल। भाई सही है ना कि सीएसएस की फाइल अलग हो और एचटीएमएल की फाइल अलग हो, इसी तरह जेएस की फाइल अलग हो, तब बिल्कुल क्लीन रहेगा ना जो हमारा पेज होगा, इसीलिए एक्सटर्नल को प्रेफर करते हैं। तो ये आपका तरीका हो गया इंटरनल का। अब इनलाइन सीएसएस, इनलाइन क्या होता है देखा, ये दिखा रहा हूँ आपको, इनलाइन को कैसे यूज करते हैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे देखिए ये हमारा इनलाइन सीएसएस का लिखा हुआ है। देखिए इनलाइन कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक H1 लिया, H1 में हमने स्टाइल ले लिया सिंपल सी, जैसे मान लीजिए आपने लिया कुछ भी लिया, ये नहीं कि H1 ले, चाहे डिव ले चाहे सेक्शन ले कुछ भी ले वो मैटर नहीं रखता, आप हेडर ही ले ले। हेडर में क्या किया आपने, यहाँ पर लिखा स्टाइल, इसका दिया बैकग्राउंड, कलर दे दिया रेड, इसके पैडिंग दे दिया आपने 20 पिक्सल, ठीक है, इसकी हाइट दे दिया आपने 100 पिक्सल, इसकी विड्थ कर दिया आपने 100%। बस सिंपल सी बात है, आपका हेडर कॉल हो जाएगा। आप देखिए ना, कॉपी फाइल बात करता हूँ और अपना एक्सटेंशन खोल लेते ना भाई। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग ये दिखा रहा है ना, आपका आउटपुट दिख रहा है यार जो मैंने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनलाइन का तरीका। इनलाइन किस केस में लिखते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम उसका हमें क्लास नहीं मिल पाता, हम चाहते हैं बस पर्टिकुलर एक ही चीज़ के लिए लिखना है, तो हम इनलाइन भी लिख देते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में थोड़ा सा ही लिखते हैं। अगर प्रोग्रामिंग जब लाइव सर्वर पे काम कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको क्लास नहीं मिल रहा, फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों का जो मेन मोटो क्या है, मेन बेस क्या होता है कि हम एक्सटर्नल का ही सहारा लेते हैं, एक्सटर्नल ही सीएसएस यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सीएसएस को यूज करने का तरीका, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा जो, अब देखते हैं सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर्स फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, जो भी हम एचटीएमएल में जो लिखते हैं, अब उस जो भी आप डिव लिए हैं, चाहे एलिमेंट लिया आपने, चाहे आईडी लिया, चाहे क्लास लिया, वो सब कुछ सेलेक्टर्स होते हैं। जैसे सेलेक्टर्स से क्या होते हैं, सूडो क्लास सेलेक्टर्स होते हैं, सिंपल सेलेक्टर होते हैं, जैसे नेम, आईडी, क्लासेस। अब देखिए एलिमेंट सेलेक्टर होता है पी, H1, ए, स्पैन, हेडर, फुटर, नब, ये सारे एलिमेंट सेलेक्टर हैं। आईडी सेलेक्टर क्या होता है आपको पता ही कि बेसिक सी बात है, आईडी मतलब यूनिक आईडी, एक पेज पे आईडी एक ही होगी उस नाम की। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, आप उसको मल्टीपल क्लास ले सकते हैं। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, मान लीजिए आपका H1 को भी आप चाहते हैं कलर रेड देना, P को भी चाहते हैं कलर रेड देना, H2 को भी चाहते हैं, तो आप ग्रुप के साथ इस तरीके से कॉमा डाल के लिख सकते हैं। अब आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो आपका सिलेक्टर हो गया फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, इसको मैं करता हूँ, मैं कमेंट आउट नहीं करूँगा, मैं इसको डिलीट करता जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए सिलेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए सिलेक्टर्स सबसे पहले हमने क्या लिया, एक डिब लिया, डिब में हमने क्या किया, एक क्लास लिया। क्लास जो हम लिख रहे हैं ये सीएसएस के लिए लिख रहे हैं, ये सिलेक्टर्स का होते हैं, क्लास सिलेक्टर्स होते हैं, ये H2 मतलब एलिमेंट सिलेक्टर्स होते हैं, ये सिलेक्टर्स है, डिव भी सिलेक्टर है, सेक्शन भी सिलेक्टर है, आईडी भी सिलेक्टर है, स्पैन, मतलब सारे कुछ सिलेक्टर्स हैं ये सब।
अब जैसे मान लीजिए आप अगर HTML में आपने स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई हम एक डिव लिया और उसका क्लास हमने डाल दिया कंटेंट नाम डाल दिया, कुछ भी डाल दे, और उसके अंदर हमने एक हेडिंग ले लिया और एक एंकर टैग ले लिया, फिर एक और हमने एक सेक्शन लिया उसको हमने ID दे दिया अबाउट, पी टैग लिया, फिर इसमें ये लिखा। फ्रेंड्स आपको इस चीज़ क्लियर तब होगा जब आपको HTML कन्फर्म होगा। मैं अभी भी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको HTML के बारे में नहीं पता तो मेरे HTML का कंप्लीट कोर्स का जो वीडियो है उसको देखिए, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस हमने तो बना लिया स्ट्रक्चर, अब इसको जैसे सिंपल सी बात है ना कि अपने डिज़ाइन तो कर लिया, घर का स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब इसकी डिज़ाइन देनी तो कैसे देंगे। तो मान लो अपना कंटेंट जो हमारा है, अब जैसे कंटेंट एक यहाँ पर है और यहाँ पर, मैंने बोला ना क्लास एक नाम का कई ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसा आपको यूज करना है। तो मान लीजिए आपने ये तो ले लिया, अब इसको स्टाइल देना है। अभी जैसे मान लीजिए आपका ये है, अब ये आउटपुट कैसा दिखेगा, ये आपका कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, भाई सिंपल सा टेक्स्ट ही दिख रहा है आपको, कोई स्टाइलिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखेगा कैसे। अब इसको देखने के लिए अब हम इसको स्टाइलिंग देंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टाइलिंग देते हैं, तो स्टाइलिंग कैसे देते हैं, हम क्या देते हैं देखिए। ये जो मेन है, जो H1 है, ये अब हमारा जो कंटेंट है, अब ये जो मैंने क्लास बनाया है, ध्यान से देना फ्रेंड्स। जैसे हमने एक डिव लिया, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे हमने एक डिव लिया, डिव हो गया। अब डिव को अगर मैं यूज करूँगा, डिव पे मैं चाहता हूँ कि डिव का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, तो कैसे होगा। डिव भी एक एलिमेंट है, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखना आप, अगर आपको यूज करेंगे इसको, तो इसको डिव को यूज कर, एलिमेंट को यूज करने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं हम ऐसे। अब हमने लिखा इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दिया हमने ग्रीन। अब देखना, आप ध्यान दीजिए कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और इन सबको हटा देता हूँ अभी। आप देख सकते हैं जितने डिव होंगे वो सबको ग्रीन कर देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक क्लास देते हैं, उसमें मतलब एक क्लास मतलब भाई भाई कौन से क्लास का, भाई फर्स्ट क्लास का है, एक सेकेंड क्लास का, ऐसा होता है ना ट्रेन में होता है कि फर्स्ट क्लास का है, भाई फर्स्ट क्लास का है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग देंगे, सेकेंड क्लास का है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग देंगे। सेम यहाँ पर भी डिफाइन करने के लिए कि ये इस क्लास का है तो उसको ऐसी प्रॉपर्टीज देनी है हमें, मतलब एक उसको सिंपल से बात है, उसको एक्सेस करने के लिए हम उसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा डिव है यहाँ पर, अब यह समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ डिव है, हमने उसको क्लास दे दिया कंटेंट, H2 को हमने कुछ नहीं दिया, कोई क्लास कोई ID नहीं दिया, A को भी कोई क्लास कोई ID नहीं दिया। ठीक है, अब हमें इस कंटेंट को एक्सेस करना है, तो कंटेंट क्या है, क्लास है। तो किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए जो तरीका होता है वो होता है डॉट, पहले डॉट लगाइए फिर ये लिखिए, बस हो गया आपका काम। मतलब आपने यहाँ पर उसको एक्सेस कर लिया, जो आपका ये सिलेक्टर है ना कि जो क्लास है आपने उसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया है डॉट, उसका नाम लिख के। अब इसको अब जो भी प्रॉपर्टी देना चाहे दे सकते हैं, अब इसको क्या देना चाहते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर जाना चाहते हैं येलो, येलो दे दिया आपने। ठीक है, इसको पैडिंग दे दिया आपने 50 पिक्सल। अब देखिए आपका आउटपुट कैसा दिखेगा, देखिए अब देखिए, आप देख सकते हैं ना, ये भी एलो हो गया, ये भी एलो हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम नाम है, दोनों का क्लास सेम है। आप कैसे देखो, यहाँ भी कंटेंट है, यहाँ भी कंटेंट है, अगर अगर एक और आप लेना चाहें तो आप देखो यहाँ पे डिव क्लास कंटेंट, तो कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ पी टैग, अब देखो एक और आ गया,
आप अगर बी आर टैग लगाना तो आपको देख ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं, मतलब हमने सी एस एस में सिर्फ एक जगह लिखा है ना, देखिए सी एस एस में मैंने बस एक जगह लिखा है डॉट कंटेंट बैकग्राउंड एलो और पैडिंग उसको 50 पिक्सल दे दिया, लेकिन जहाँ जहाँ उस नाम का क्लास होगा वहाँ वहाँ पर वह कॉल हो जाएगा। तो बड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो अगर क्लास को एक्सेस करने का तरीका, मतलब क्लास क्या है, ये आपका सिलेक्टर हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आईडी लिया है, आईडी लिया ना अबाउट। अब आईडी को सिलेक्ट कैसे करते हैं, आईडी को करने के लिए क्या है, हैस। अब उस जो अभी आईडी का नाम होगा सो उसका नाम क्या है, अबाउट, ठीक है। तो अबाउट को क्या देंगे हम प्रॉपर्टी, क्या दे रहे हैं देखिए, अबाउट की हमने प्रॉपर्टी दिया, अबाउट को देते हैं हम बैकग्राउंड कलर, अबाउट को मैं देता हूँ, चलिए मैं हटा देता हूँ ये सब, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश लिखता हूँ। अबाउट को हम क्या देते हैं, अबाउट को हम देते हैं बैकग्राउंड कलर देते हैं इसका, नॉट ए इमेज भाई, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको रेड, और इसका मार्जिंग टॉप से करते हैं, मार्जिंग टॉप से करते हैं 20 पिक्सल, और इसका पैडिंग करते हैं, ये आपको सारा कुछ मार्जिंग पैडिंग जो बताया था ना आपको, इसमें सारा कुछ कवर कर रहा हूँ। जैसे मार्जिंग पैडिंग क्या होता है थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको, देखिए सेलेक्टर से है ना, सेलेक्टर के साथ हम मार्जिंग पैडिंग जो भी आपका एरिया है, जैसे हम कुछ बनाते हैं ना, कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसको मार्जिन देते हैं भाई, को बाहर से वो लेफ्ट से थोड़ा सा कितना गैप कर ले, चाहे राइट से इतना कर ले, ऊपर से इतना गैप दे दे, मतलब मार्जिन दे दे, मतलब मार्जिन समझ रहे हो ना, मार्जिन मतलब क्या होता है, मतलब गैपिंग देना, ठीक है। थोड़ा सा उसको भाई थोड़ा मार्जिन दो भाई, थोड़ा सा उसको स्पेस दो, मतलब ऐसा वर्ड है मार्जिन। पैडिंग मतलब वो अंदर ही अंदर उसको थोड़ा सा और थोड़ा सा पैडिंग दो भाई, थोड़ा सा उसको संकुचित करो, एक वर्ड ऐसा है पैडिंग। और उसको लिखते कैसे हैं आप देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं मार्जिंग टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, या तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिख दीजिए, मार्जिन लिखिए अब एक ही साथ लिख दीजिए, कैसे आइए दिखाता हूँ आपको। पैडिंग लेफ्ट हुआ कितना हुआ 30 पिक्सल, इसी तरह हम लिखते हैं पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप हम दिखाते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। फिर मार्जिंग बॉटम देता हूँ मैं, मार्जिंग बॉटम करता हूँ 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम करता हूँ, पैडिंग बॉटम कर देता हूँ 40 पिक्सल। अब देखिए आपका अबाउट कैसा दिखेगा, ये आ गया ना, आप देख सकते हैं आपका अबाउट सेक्शन ये आ गया, ये अबाउट सेक्शन है, दिस इज अबाउट स्पेन सेलेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने बताया था सेलेक्टर्स को यूज़ करने का, अपने क्लास यूज कर लिया डॉट लगा के, आईडी को यूज करना है हैश लगा के, अब एलिमेंट को डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एस टू है, ए है, पी है, स्पैन है, तो इसको कैसे करना है। जैसे मान लो मैं एस टू और ए को चाहता हूँ प्रॉपर्टी देना, तो ग्रुप पहले तो मैं ग्रुप का भी बता दूँ आपको, एस टू हो गया कॉमा दिया ए, अब देखिए कैसे करते हैं, कलर कर दिया हमने ग्रीन, अब देखिए क्या दिखेगा, अब देखिए दोनों का कलर ग्रीन हो गया ना। अगर मैं इसकी जगह एस के बाद ए के बाद मैं पी लिख दूँ, एस थ्री लिख दूँ, मतलब जो भी हमारा टैग है, देखिए यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन, मतलब ये भी ग्रीन हो गया। मतलब क्या है कि ग्रुप, मतलब मैं भाई जब मुझे पता है कि मेरा एस टू को भी यही चाहिए कलर, ए को भी यही, पी को ये भी, एस थ्री को ये, तो हम वो उसकी सी एस एस की प्रॉपर्टी दे सकते, डिफाइन कर सकते, चाहे वो कलर से संबंधित हो, चाहे पैडिंग हो, चाहे मार्जिंग हो, वो कुछ भी हो, आप ग्रुप में भी देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। ये तरीका होता है ग्रुप में देने का। अब एक और होता है सूडो, सूडो का कैसे क्या होता है, इसमें कंटेंट है हमारा, ये कंटेंट का ए है, ठीक है। अब ए को हम देते हैं, ए का होवर देते हैं, ये सूडो क्लास है, इसको देते हैं कलर, करते हैं इसको रेड,
रेड नहीं करते हैं, इसको हम करते हैं ब्लू, और इसका फॉन्ट वेट करते हैं बोल्ड। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको कलर के बारे में, फॉन्ट के बारे में, तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, अभी क्लियर करूँगा ये सबको। देखिए हो गया ना, अभी इस पर माउस ले जाइए, देखिए आपको अंतर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दूँ। देखिए अभी इसका कैसा कलर क्या है, ग्रीन है, जैसे इस माउस ले जा रहे हैं, होवर कर रहे हैं, देखिए ब्लू हो जा रहा है ना, अब फॉन्ट बोल्ड हो जा रहा है। ये होता है सूडो क्लास, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपको अब सिलेक्टर समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं। अब इसी तरह मान लीजिए आपका ये है हेडिंग 4 है, जैसे मतलब सर्विस लिखा है मैंने H1 के अंदर, अब इसको कलर करना है कैसे। अब इसको एक लाइन में, जैसे मैंने बताया था ना आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, आपने इसको दिया बैकग्राउंड, आपने इसको बैकग्राउंड दिया, कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपका मन करे, ब्लू कर दिया, ओके। अब आप उसको पैडिंग देना चाहते हैं, इसको आपने पैडिंग दिया, अब पैडिंग आप चाहते हैं इसको भाई लेफ्ट से भी देना, ये देखिए इसको बोल 0 0 0 0। अब ये क्या होता है आपको क्लियर कर दूं, देखो मैं क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या होता है, ये टॉप देखना, राइट बॉटम लेफ्ट, यही तरीका है, मतलब क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये है शॉर्ट हैंड की, चाहे वो मार्जिंग हो, पैडिंग हो, चाहे कुछ भी हो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब यहाँ पर अगर जो लिखेंगे, मान लीजिए मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल हो जाए भाई, टॉप से 20 पिक्सल, राइट से भी चाहता हूँ 20 पिक्सल कर दूँ, बॉटम से चाहता हूँ 40 पिक्सल, लेफ्ट से चाहता हूँ 50 पिक्सल, ऐसे है हेडिंग। अब इसी तरह मान लो मार्जिन भी देना है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के हिसाब से, मार्जिन भी अगर आपको देना है, मार्जिन आप चाहते हैं 40 पिक्सल दे दीजिए, ठीक है 40 पिक्सल, 90 पिक्सल, 60 पिक्सल दे दीजिए। अब देखिए आपका हेडिंग का आउटपुट कैसा दिखेगा, मतलब ये जो है हेडिंग सर्विस जो लिखा है वो कैसा दिखेगा। अभी देखिए ऐसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, बड़ा कर दो, दिख रहा है। अब इसको फ्रेश कर, रिफ्रेश, देखिए ये वाइट स्पेस दिया, मार्जिन ले लिया, अभी जो इतना गैप करके छोड़ा है पैडिंग है, थोड़ा दिखाता हूँ आपको, पैडिंग क्लियर करता हूँ। राइट क्लिक करके बहुत बड़ी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जो इश्यूज होता है बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको कैसे आया, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे दिखाएगा। अब इस पर जो भी करना है, जो भी स्टाइलिंग करनी है, ये आपका बॉटम भी आता है, ऐसे भी आता है, ठीक है, जिधर चाहे उधर आप फिक्स करते हैं, कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए ये, अब इसको हमें प्रॉपर्टी देनी है, आप देख सकते हैं H1 को क्या है, पैडिंग इतना है ना, अब देखिए टॉप इतना है, मैं टॉप से इसे देखिए टॉप पर बढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 50 हो गया, जितना बढ़ाऊँगा देखिए टॉप से इतना बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ इसी तरह देखिए लेफ्ट से बढ़े, बॉटम से बढ़ाना चाहता हूँ बॉटम से बढ़े, इसका कलर चाहता हूँ देना वाइट, इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। मतलब क्या है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ना आप सारा कुछ यहीं सेट कर सकते हैं, जब आप ओके हो जाते हैं ऐसे कॉपी कीजिए। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट बता दिया मैं आपको, ये बहुत बड़ी चीज़ है शॉर्टकट, देखिए आपका ओके सेव कीजिए, देखिए जितना आपने चेंजेस किया था सारा आपको मिल गया। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि मार्जिन पैडिंग क्या है और सेक्टर कैसे यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी भी आपसे मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी आपको लगे हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट इसमें शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए, ओके फ्रेंड्स। ये तो हो गया सेलेक्टर, अब सेलेक्टर के बाद क्या देखते हैं, अपना फॉन्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। फॉन्ट के यूज करने का तरीका क्या है, फॉन्ट क्या क्या है,
अब देखिए फॉन्ट के लिए मैंने क्या किया, मैंने एचटीएमएल को पहले ही लिख लिया कि ज़्यादा दिखने में वीडियो मेरा लंबा ना हो, इसलिए एचटीएमएल को पहले ही लिख लिया मैंने। आपको पता है एचटीएमएल क्या है? अगर नहीं पता तो मेरा एचटीएमएल का वीडियो देखिए, उसका लिंक नीचे इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप देख सकते हैं। तो फॉन्ट हो गया। फॉन्ट के लिए क्या है, H1 में मैंने मान लिया एक लिया कुछ हेडिंग, P टैग लिया, H4 लिया। और फॉन्ट यूज कैसे करते हैं, जैसे हमारा ये जो पेज है अभी तो कुछ नहीं, देखिए वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वेब लेआउट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अब देखिए फॉन्ट कैसा दिख रहा है, देख रहे हैं ना अब। लेकिन चाहते हैं आप स्टाइलिंग फॉन्ट देना भाई कुछ अच्छा सा, तो गूगल हमें फॉन्ट प्रोवाइड कराता है और उसको वेब फॉन्ट बोलते हैं। आप गूगल का फॉन्ट यूज कर सकते हैं, और भी मतलब क्लाइंट कुछ देते हैं, अगर डाउनलोड करके भी आप लगा सकते हैं। तो मान लो गूगल फॉन्ट यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह क्या होता है, फॉन्ट क्या है, आप देख सकते हैं कैसे यूज़ करने का तरीका क्या है। ओके, तो कैसे यूज़ करते हैं फॉन्ट देखते हैं। हमने ये ले लिया अपना टैग, और उसको फॉन्ट को यूज करने के लिए सिंपल सी बात है, फॉन्ट को यूज़ करने का दो तरीका है अगर गूगल फॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं तो। कैसे, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ भाई। गूगल फॉन्ट आपने लिया, आपको जो फॉन्ट यूज करना है डजेंट मैटर, आपको जो पसंद है फॉन्ट गूगल देता है, आपको बहुत से फॉन्ट देता है जैसा चाहे वैसा। मान लीजिए ये चाहिए फॉन्ट आपको यूज करना, क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब ये तो लिंक दे रहा है, लिंक को आप अगर आप यूज करते हैं तो आपको आपके एचटीएमएल में यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे वेब फॉन्ट में लिंक को यूज करना है ना, तो ऐसे यूज करना पड़ेगा आपको। अगर आपको CSS के माध्यम से करना है तो इम्पोर्ट पे जाइए, ये CSS का फॉर्मेट है, इसको आप CSS में जैसे ऐसे है इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये तो दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिया, अब आप जो चाहें वो आप इसके माध्यम से उस फॉन्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद ये फॉन्ट फैमिली लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आएगा ना भाई। अब क्या करते हैं, चलो इसको मैं लिखता हूँ, लिंक का देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिंक का उठाते हैं, कॉपी किया जो हमारा यहाँ पर है वे फॉन्ट, मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया, एक एक्स्ट्रा लिंक आ गया तो उसको हटा दिया मैंने। और अब जो इसका जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट फैमिली, ये नहीं कि बस आपने इसको कॉपी कर दिया हो गया काम, इसको भी यूज करना पड़ेगा। अब इसको कहाँ यूज करना चाहते हैं, होल बॉडी पे देना चाहते हैं तो बॉडी पे डायरेक्ट आप लगा सकते हैं उसके, देखिए बॉडी पर आइए वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, इसको हटाया था मैं जब इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, तो पूरे बॉडी पे यही फॉन्ट आ जाएगा। यकीन नहीं हो रहा ना, देखो आप चेंज हुआ नहीं दिखा भी, अभी दोबारा आपको करता हूँ भाई, हमारा फॉन्ट ऐसे है ना, क्लियर। अब जब गूगल फॉन्ट यूज करेंगे चेंजेस हो गए, ये होता है फॉन्ट को यूज करने का तरीका। मतलब ये तो बॉडी में लगाया था हमने, पूरे बॉडी पर आ गया, लेकिन अब चाहते हैं बॉडी पर नहीं देना भाई, चाहते हैं सिर्फ हेडिंग टैग के लिए हो, तो कैसे होगा वो हेडिंग टैग के लिए, हेडिंग टैग के लिए कैसे होगा, सिंपल सी बात है। फॉन्ट को यूज कैसे करेंगे अपने हेडिंग टैग में, बहुत ईजी है। कैसे, H1 है, मैं चाहता हूँ H1 को यूज करना भाई, H1 में हमने दिया फॉन्ट फैमिली, तो कॉपी किया ना ये दे दिया। आप देखिए सिर्फ H1 का ही चेंज होगा, H1 का चेंज हो गया ना, बाकी ऐसा है। और किसी का चेंज करना चाहते हैं तो आप वैसे P का भी चाहते हैं, P पे भी ये दे दीजिए। मैं चाहते हैं आप P पे दूसरा फॉन्ट यूज करना, तो आप दूसरा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं कि फॉन्ट लगाना है भाई। अब दूसरा फॉन्ट चाहिए ना आपको, मान लीजिए ये चाहिए रोबोटो, क्लिक कीजिए सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आ गया होगा, कॉपी कीजिए यहाँ पे, अपने एचटीएमएल वाली फाइल में इसको पेस्ट कर दीजिए, पुराना वाला डिलीट करता हूँ क्योंकि दोनों एक ही मर्ज होकर आ गया फॉन्ट, और इसकी फॉन्ट फैमिली अब देखिए रोबोटो का ये है। P टैग पे चाहता हूँ भाई ये फॉन्ट कॉल हो,
अब देखिए डिफरेंट, आपको देखो पी का फॉन्ट ऐसा आ गया, H1 का ऐसा है, ये तो H3 है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो H3 कोई फॉन्ट दिया नहीं, तो डिफॉल्ट फॉन्ट एक्सेस कर रहा है। अब देख रहे हैं अंतर, दिख रहा है आपको पी का फॉन्ट ऐसा और H1 का ऐसा, हटा के दिखाता हूँ। क्लियर, पी का ऐसा हो गया, जब उसको हम लगाते हैं तो ऐसे आ गया। आई होप कि फॉन्ट आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। फॉन्ट के बाद क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, जो टेक्स्ट होता है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, उसका यूज कहाँ हो, किस तरीके से करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए एक हमने लिखा है, जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, H1 में लिया कुछ टेक्स्ट लिया, ठीक है, H2 में लिया, P में लिया, H4, H5। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपका फॉर्मेट चेंज करता है, जैसे स्पेसिंग, अलाइनमेंट, डेकोरेशन, कलर, स्पेसिंग, सब कुछ मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में होता है। कैसे करते हैं अभी देखिए, आप अभी आपका आउटपुट कैसा दिखेगा, इसको बंद कर दो, फॉन्ट को जो होती है हमें, अब देखिए ऐसा दिख रहा है ना फॉन्ट अभी, मतलब आपको टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल लंबा सा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। इसको देखिए क्या करना है, अब इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या करते हैं, जैसे जो H1 है हमारा, ये H1 है, इसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लास वगैरह नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट एलिमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि बस H1 एक ही यूज कर रहा हूँ ना, अगर ज़्यादा यूज होता तो मैं यहाँ क्लास यूज करता, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्लास ले सकते हैं, क्लास चाहे आईडी जो भी आपको चाहिए, हेडिंग नाम डाल सकते हैं अगर देना चाहें तो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है अब, लेकिन मैं एक ही यूज कर रहा हूँ इसलिए। देखिए H1 हेडिंग ले लिया ना, अब इसको मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ आपको। पहले इसका मैं देता हूँ कलर रेड, रेड बहुत सिंपल सा होता है इसलिए इसको रेड हमेशा लिखता रहता हूँ। अब इसका टेक्स्ट जो होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म क्या करता है, उसको करता है कैसा लिखना चाहते हैं, उसको कैपिटलाइज करते हैं, करना चाहते हैं लोअर लिखना, कैसे लिखना चाहते हैं, अपर कैसे लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसे क्या है वो सब आपको देख सकते हैं। अभी अब कैसा दिख रहा है आप देखिए, अभी ऐसे दिख रहा है ना, अब इसको कैसे लिखना है आप, अब इसको मान लीजिए कैपिटलाइज लिखेंगे। अब देखिए ये 1 2 3 सारा कैप्स में हो गया ना। अगर आप इसको चाहते हैं तो कैप्स में नहीं लिखना है मुझे, अपर केस में लिखना है, अब सारा अपर केस हो गया, परफेक्ट हो गया ना। इसी तरह लोअर केस लिखना चाहेंगे तो सारा लोअर हो गया। मतलब फॉन्ट की स्टाइलिंग को चेंज करना, फॉर्मेटिंग को चेंज करने का ये तरीका है, ठीक है। अब हम भाई इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, और फॉन्ट फैमिली मैं इसको ये ले लेता हूँ, फॉन्ट फैमिली थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ओके। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इसका, अगर शैडो देना चाहते हैं, जैसे अभी शैडो नहीं है ना, इस पर शैडो देना चाहते हैं, टेक्स्ट शैडो कैसे देते हैं वो देखते हैं। इसका कुछ भी देते, जैसे 2 पिक्सल ले, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, आप कौन सा कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आप चाहते हैं इसको येलो देना, येलो देखिए, देख रहे हैं ना शैडो आ गया ना इसके अंदर। अब जैसा चाहेंगे वैसा दे सकते हैं, कैसे, इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिए, आपको यहीं आप आउटपुट देखते रहिए, देखिए क्लियर हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं किससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, देखिए लेफ्ट कर रहा है ना, ये नीचे कर रहा है। तो जैसा शेडो चाहें वैसा, अब ये ब्लर करता है, देखिए ब्लर कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टेक्स्ट शैडो देने का तरीका। उसके बाद क्या आता है, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होता है ओवर लाइन। जैसे मान लीजिए आपका ये है,
लाइक एंड कमेंट है एस टू। मान लीजिए आपका जो एस टू है इसको मैं क्या देता हूँ, सिंपल चीज़ इसका टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मैं करता हूँ, देखो करता हूँ ओवरलाइन। अब देखिए क्या होता है, लाइन के ऊपर एक आ गया ना। अब इसी तरह लाइन थ्रू होता है, लाइन थ्रू देखिए, मतलब टेक्स्ट के सारे फॉर्मेट होते हैं सारे ये कुछ। इसी तरह फिर होता है आपका अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन आ गया, तो सारे फॉर्मेट होते हैं। ओके क्लियर हो रहा है? अभी आपको अगर मान लीजिए इसको सेंटर करना है, अभी तो लेफ्ट में, अभी इसको सेंटर करने का देखिए तरीका क्या है, अलाइनमेंट इसका अलाइन सेंटर कर सकते हैं, सेंटर हो गया ना। इसको टेक्स्ट अलाइन राइट करना चाहे तो राइट कर सकते हैं, राइट हो गया। इसे लेफ्ट जस्टिफाई करेंगे तो बिल्कुल, जैसे मान लीजिए ये है ना आपका कंटेंट, इसको जस्टिफाई करते हैं। अच्छा उनको टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं, टेक्स्ट जस्टिफाई ऑल ठीक है फ्रेंड्स, जस्टिफाई हो गया। इसी तरह आपका टेक्स्ट इंडेंट्स उसको दे सकते हैं आप, उसको लेटर स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग आपको देखो दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ है। सी है ना आपका, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखा रहा हूँ तो आपको दो चीज़ क्लियर होता जाएगा, ये भी समझ में आएगा कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में काम कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है आपको, आई होप कि दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा कर लूँ देखो। इसी है, अब इसकी स्पेसिंग देनी है, बहुत गैपिंग नहीं है ना, अब स्पेसिंग देनी है तो क्या करते हैं, लेटर स्पेसिंग करते हैं 1 पिक्सल। अब देखिए 2 पिक्सल 3 पिक्सल, मतलब लेटर में स्पेसिंग हो रही है। अब देखिए वेलकम, मतलब आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कि स्पेसिंग का क्या काम होता है। ये फॉन्ट के सारी स्टाइलिंग ठीक है फ्रेंड्स। अब इसे मान लीजिए रैप क्या होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ये, अब जैसे ये है, अब इसको रैप करना है, एक बॉक्स में लिख रहे हैं अगर इसको रैप करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए पी टैग है ना, यह जैसे पी टैग है H4 पे हमने लिया, अब H4 को रैप करते हैं। H4 को मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी दिया, सिक्योरिटी दे दिया हमने 300 पिक्सल। इसका बॉर्डर कैसे देते हैं सारा कुछ आपको बताता भी जा रहा हूँ, अब इसका अलग स्टेप भी आएगा। बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड ठीक है। अब देखिए 2 पिक्सल बहुत बड़ा हो जा रहा है, पीसी दिया यार पिक्सल। अब देखिए, लेकिन हमारा जो ये जो टेक्स्ट बाहर जा रहा है ना, अब इसको रैप कर सकते हैं कैसे, वर्ड रैप कीजिए, मतलब ब्रेक कर देना। ये मतलब फीचर्स है सारे कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। इस तरह वर्टिकल व्यू अगर यूज़ करना चाहते हैं वर्टिकल व्यू यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, वर्टिकल राइटिंग मोड उसका वर्टिकल कर सकते हैं। आपको दिखा दूँ जैसे ये है, इस वर्टिकल लिया ना मैंने, कुछ भी टेक्स्ट ले सकते हैं और लेटेस्ट ले सकता हूँ, लेटेस्ट को मैंने क्लास इस पेन में लिया, ऐसे क्लास लेटेस्ट कॉपी किया। अब इसको लिखें क्या, राइटिंग मोड इसका लिखते हैं, राइटिंग मोड लिखते हैं इसका वर्टिकल रेप टू लाइट। अब देखिए आप देख सकते हैं वर्टिकली हो गया ना। तो ये फ्रेंड्स तरीका है, मतलब आपके जितने फॉन्ट्स हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट स्टाइलिंग है सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर दे सकते हैं, स्पेसिंग देख सकते हैं, लाइन हाइट इसमें दे सकते हैं। देखिए अब इसमें गैपिंग कम है ना, देखिए लाइन हाइट बढ़ाता हूँ, सिंपल सी चीज़। मैं आपको मतलब
ऐसा नहीं, मतलब हर एक चीज़ आपको इसमें क्लियर करता जाऊंगा कि क्या चीज़ होता है। सी है इसको हमने दिया लाइन हाइट 20 पिक्सल, देखिए आप देख सकते हैं लाइन हाइट क्लियर हो रहा है, मतलब गैपिंग दे रहा है ना हम इसके बीच में, कितनी हाइट देनी दोनों के बीच में, तो लाइन हाइट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये PPT मैंने लिखा है आपको ऑलरेडी, सीएसटी फॉर्मेटिंग पॉलिटी बेटर लुक एंड द फील फॉर द टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग क्या करता है, नीड्स डिफाइंड टेक्स्ट कलर स्पेसिंग डेकोरेशन अलाइनमेंट ETC, मतलब सारा कुछ काम ये देखता है। फॉन्ट ये है बता दिया आपको, अब बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो बॉर्डर का यूज कैसे करते हैं, तो बॉर्डर में क्या है कि सिंपल चीज़ है, बॉर्डर बहुत बड़ी चीज़, बहुत ज़्यादा चीज़ हम बॉर्डर में कवर, देखिए अभी हमारा जो बॉर्डर है ये, जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा ठीक है PTAG के अंदर लिया, अब हमें बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। अब बॉर्डर के तरीके कई होते हैं, कैसे बॉर्डर कैसे दे सकते हैं आप, बॉर्डर देने के लिए जैसे मान लीजिए हमारा PTAG है ना, PTAG को सबसे पहले हम यहाँ देते हैं PTAG, इसको थोड़ा मार्जिन दे दूंगा जिससे थोड़ा गैपिंग बनी रहेगी हमारी, इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन देता हूँ इसको 15 पिक्सल कर देता हूँ, और इसकी पैडिंग कर देता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा क्लास है, अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा सिलेक्टर यूज कैसे करते हैं। अब अगर मैं P को यूज करूँगा ना सिर्फ, तो सारे पे एक ही प्रॉपर्टी कॉल जाएगी, सिंपल से आपको दिखाता हूँ। P पर मैंने लिखा अगर बॉर्डर 1 पिक्सल, मतलब 1 पिक्सल की विड्थ हो गई, कैसा चाहिए 1 पिक्सल, सॉलिड रेड। अब देखिए सब पे आ गया ना, सब पे बॉर्डर आ गया, क्योंकि मैंने PTAG पे दिया है। P एलिमेंट मतलब जितने P एलिमेंट हो गए ना, सब पे ये प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे क्लास के माध्यम से एक्सेस करना। तो पहले P पे मैंने क्लास क्या दिया है, डॉटेड, इसको कॉपी किया, यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ डॉटेड पे जो स्टाइल दूँ वह दूँ मैं, क्या दूँगा, बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल हम देंगे इसको डॉटेड। आप देख सकते हैं डॉटेड हो गया ना। अगर उसको कलर देना चाहते हैं तो सिंपल से कैसे देख सकते हैं, देखो मतलब शॉर्ट हैंड में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर हम शॉर्ट हैंड ही लिखते हैं, बहुत रेयर केस में। से बॉर्डर हो गया ना, बॉटम ने स्टाइल दे दिया, डॉटेड दिया ना। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ इसका बॉर्डर कलर रेड, बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, देखिए ये, इससे अच्छा कि हम एक साथ ही क्यों ना लिख दें। तो कैसे लिखते हैं, जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, सिंपल सी बात है, बॉर्डर ठीक है 2 पिक्सल डॉटेड, कलर क्या डाल दिया हमने, रेड। इतना लिखने से अच्छा है ना कि हम एक लाइन ही लिखें, इसको 5 करता हूँ, देखिए क्लियर हो रहा है आपको, मतलब 4 लाइन लिखने से अच्छा है कि एक लाइन में लिख देना सारा कुछ। बॉर्डर लिख दिया, उसकी विड्थ इतनी कर दो, उसकी स्टाइलिंग ये कर दो, कलर ये कर दो, सिंपल सी बात है। जैसे डॉटेड का हो गया, इस तरह मान लीजिए डेस्क का है, इसको डॉटेड दिया ना, इसको डैश भी दे सकते हैं, देखिए डैश में हो गया, इसको रिच भी कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से आ गया, देख रहे हैं ना आप, मतलब सारे तरीके, इसको डबल कर सकते हैं, डबल कर दीजिए, डबल हो गया, आउटसाइड साइड, इसको सॉलिड भी कर सकते हैं, सॉलिड
बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, जितना चाहें 1 पिक्सल चाहें 10 पिक्सल चाहें जैसा चाहें। तो ये बॉर्डर को डिफाइन करने का तरीका होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ सबका कि डैश का इसमें दूंगा सॉलिड का, लेकिन मैं आपको एक ही में ही सारा कुछ बॉर्डर समझा दिया हूँ कि बॉर्डर होता है क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर का दिख लिया। इसी तरह बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड कैसे कॉल करते हैं आप देख सकते हैं। इसमें जो हमारा एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हमारा एक ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको H1 को बैकग्राउंड देना है, इस बैनर को देना है, इस सेक्शन को देना है, कैसे देना है बैकग्राउंड, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड को कैसे मैंने यूज़ किया है। फ्रेंड्स वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बैकग्राउंड और बाकी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा H1 है, ये H1 है, इसको हमने दिया बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। बैकग्राउंड कलर चाहे तो आप ऐसे दे, हेक्साम दे सकते हैं, चाहे इस तरीके RGB में दे सकते हैं, और उसके पैडिंग मतलब जो आप चाहें, आपके ऊपर निर्भर करता है कैसा देना चाहते हैं आप, बैकग्राउंड किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। ये रेड में दिया हमने, और अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्मेट रेड हट नहीं देना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में नहीं तो ऐसा देना चाहते हैं तो ऐसा दे सकते हैं। देखिए इस कलर में आ गया, तो मतलब कलर को चूज करने का तरीका है किस तरीके से देना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा बैनर है, जो हमारा क्लास है बैनर। अब बैनर को मैंने क्या किया, बैनर एक लिया, एक हाइट दिया इसको, व्यू हाइट मतलब क्या होता है, 100 व्यू हाइट, मतलब जितना व्यू होगा ना उसका 100 लेगा ही लेगा, जो भी हमें स्क्रीन पे दिखेगा, चाहे वो छोटा पे देखे तब भी 100% लेगा, चाहे बड़े पे देखे तब भी 100% ही डिफाइन करेगा, विड्थ उसकी 100% होंगे। अब बैकग्राउंड इमेज कैसे कॉल करते हैं, बैकग्राउंड इमेज को कॉल करने के लिए हम बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे, URL लिखेंगे, फिर जो भी हमारा इमेज होगा, जैसे कि हमारा इमेज है साइकिल इमेज, इसको यूज करना है। अब उसको मैं चाहता हूँ बार बार रिपीट ना हो, तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट लिखूँगा, बैकग्राउंड रिपीट XY, सारा कुछ मतलब उसका फॉर्मेट होता है किस तरीके से रिपीट करना है, उसकी पोजिशन क्या देना चाहते हैं, तो इसको हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट हैंड लिखने की कोशिश करते हैं, कि शॉर्ट हैंड बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने लिया, हमने बैकग्राउंड URL ले लिया। अब देखिए प्रैक्टिकल लिखाता हूँ, देख रहे ना साइकिल रिपीट कर रहा है ना। अब लेकिन इसको मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, नो रिपीट एक हुआ। अब इसको मैं देखता हूँ, सेंटर डालता हूँ, देखिए सेंटर में आ गया। अब इसको मैं लिखता हूँ, बैकग्राउंड साइज करता हूँ, कवर कर देता हूँ, मतलब पूरे पेज पर आ जाएगा, हो गया ना। ये मतलब सारी प्रॉपर्टीज है बैकग्राउंड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह आपका आता है बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट यूज करना, रेडियल यूज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर वगैरह यूज करना। कैसे यूज करते हैं आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा सेक्शन है, हमने क्लास लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं ग्रेडियंट लिखा है तो ग्रेडियंट ही होगा, ऐसा नहीं है। आप डेमो लिख सकते हैं भाई, हमने दिया, आप डेमो को आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। डेमो को हमने बैकग्राउंड इमेज दिया, अगर लीनियर ग्रेडियंट अगर यूज करना है ना, तो आपको बैकग्राउंड इमेज ही लिखना पड़ेगा, इससे खास तौर पर ध्यान देना। मान लीजिए देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट हमने टू राइट से ये कलर हमने दे दिया हाइट इसके वजह से। अब इसको देख सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। ये अब देखिए, आप जो चाहे कलर ऐसे दे सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा आप ग्रेडियंट आप बना सकते हैं, लेफ्ट टू राइट है, चाहे ऐसा जैसा भी चाहें आप, आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे आप डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये है लीनियर ग्रेडियंट को देने का तरीका बैकग्राउंड में, ओके फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब इसके बाद हमारा बैकग्राउंड के बाद हम कवर करते हैं, बैकग्राउंड के बाद हम देखते हैं बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो क्या होता है, टेक्स्ट शैडो, बॉक्स शैडो मैंने आपको बताया था, इसको फटाफट देखते हैं शैडो कैसे क्या करते हैं। इसी ये अब इसको शैडो देते हैं, कैसे देते हैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट पे आपको शैडो समझ में आएगा, बॉक्स पे कैसे देते हैं उसको दिखाता हूँ आपको। देखिए
टेक्स्ट शैडो आपको समझ में आया था, टेक्स्ट का शैडो कैसे दे रहे हैं, क्लियर हो रहा है? ये हमने H1 को शैडो दे दिया, इसको हटाया था। स्पैन हमारा जो है ये वेलकम जहाँ लिखा हुआ है इसको शैडो दे रहे हैं। जो हमारा कार्ड है आप देख सकते हैं, ये जो इमेज है इसको हम शैडो दे रहे हैं। देखिए शैडो का कमर, मतलब इसको होवर पे मैंने शैडो दे दिया। आप उस तरीके से भी दे सकते हैं, मतलब शैडो देना आज, मतलब आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज होता है शैडो का, भी हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखते हैं। डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एंगल से है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अगर आप मुझे कमेंट में जब करेंगे, अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको भेज दूँगा सारी चीज़ें। नहीं लिए डिस्प्ले का हम देखते हैं, ये है ना अभी ऐसे दिख रहा है। अब डिस्प्ले का यूज़ कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्ले में क्या है कि जैसे हमारे UL है, हमने UL लिया, H1 P1 S-Pen सब लिया हमने। अब UL को हमने पैडिंग दे दिया, S-Pen को हमने डिस्प्ले ब्लॉक किया। अब S-Pen क्या होता है, वो इनलाइन एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होता, ठीक है? अब देखिए कैसे क्या करना है डिस्प्ले का। S-Pen भी आपका इनलाइन है, एंकर टैग भी इनलाइन है, लेकिन उसको ब्लॉक बना सकते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक लिखेंगे तो ब्लॉक मतलब पूरा, ब्लॉक मतलब पूरा एरिया अपना ले लेगा। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं S-Pen इतना छोटा लिया, और यहाँ पर जबकि पी टैग यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आके पूरा ब्लॉक ले लिया अपना, लेकिन ये S-Pen इतना ही लिया, ये इतना लिया। लेकिन इसको भी चाहें तो आप पूरा दे सकते हैं। कैसे मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाता हूँ। ये है ना S-Pen, इसको सिंपल सी बात है, इसमें ब्लॉक लिख दो, मतलब ये अपना पूरा ब्लॉक ले लिया ना। इस तरह एंकर टैग को भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक लिख दो, सिंपल सी बात है, मतलब इसको ब्लॉक लेबल किया जा सकता है। अब यहाँ पे यूज़ क्या है डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह का, अब देखिए पी टैग है H1। जैसे आप देखिए ये जो हमारा H1 है, ब्लॉक हेडिंग, ब्लॉक हेडिंग है हमारा, ब्लॉक हेडिंग है। अब ये दिख रहा है, मैं चाहता हूँ यार दिखे ना, इसको कैसे क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको करेंगे डिस्प्ले नन। भैया तो डिस्प्ले नन हो जा, मतलब तू दिखो मत, सिंपल डिस्प्ले नन कर दिया हमने। अब इसी तरह मान लीजिए हमने LI लिया, एक UL लिया, UL के अंदर LI, फिर उसके अंदर एक और UL। ये आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मेनूज कैसे बनते हैं, जो 9 बार बनाते हैं मेनू कैसे बनाते हैं 9 बार वगैरह, तो उसके बारे में दिखा रहा हूँ आपको डेमो का LI। जैसे मान लीजिए ये है डेमो की जो LI है, उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले लिस्ट सारा हटा देता हूँ आपको। देखिए क्या ऐसा दिख रहा है ना, सारा LI ऐसे दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं LI को सिंपल से क्या कर, सिंपल से बिल्कुल सिंपल लिखते हैं डेमो की जो LI है, मतलब इंटरवर्सिंग है कैसे यूज करते हैं देख सकते हैं। मतलब डेमो के LI कैसे, ये डेमो है, इसके अंदर जो LI है उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसको क्या करना है, अभी देखिए डिस्प्ले इसका पूरा ब्लॉक आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन इसको हम करेंगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। एक लाइन में आ गया, क्लियर। अब इसको मार्जिंग देते हैं, हम मार्जिंग देते हैं 0-10 पिक्सल दे देते हैं। तो पोजीशन कर देता हूँ मैं रिलेटिव, ये सब पोजीशन क्या होता है मैं आगे बताऊँगा। अब सिंपल सी बात है, हो गया आपका। देखिए अब ये जो सेक्शन है आपका, जो डिस्प्ले लिस्ट आ रहा है, ऑप्शन होवर ऑप्शन आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन होवर ऑप्शन दिख रहा है। अब इसको कैसे दिखाना मैं चाहता हूँ, अब इसके देखिए
इसको करता हूँ डिस्प्ले नन। मैं चाहता हूँ अभी मत दिखे, ये गायब हो गया ना, अभी नहीं दिख रहा है ना। मैं चाहता हूँ कब दिखे, जब हम सर्विस पे होवर करें, इस पर होवर करें ना तब दिखे। मैंने इसको डिस्प्ले नन कर दिया, इसकी पोजीशन हमने कर दिया एब्सोल्यूट, इसको टॉप से कर दिया हमने 20 पिक्सल, लेफ्ट से कर दिया हमने 0। ठीक है, अब ये कब दिखेगा ये दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। डिस्प्ले लिस्ट की एलआई को भी थोड़ा सा सही कर दूँ मैं आपको। जो एलआई है उसको मार्जिन दे देता हूँ मैं 5 पिक्सल 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो ये है, जो मैंने इस सर्विस पे चाहता हूँ ना होवर करने पे दिखे, तो मैंने एक क्लास दे दिया इसको BTN। अब मैं BTN के होवर पे किसको दिखाना चाहता हूँ भाई, ये डिस्प्ले नन है ना, मैं चाहता हूँ इसको डिस्प्ले ब्लॉक करूँ। कैसे, देखो अभी आपको दिखेगा 1 2, देख रहे हैं, मतलब सर्विस पे जैसे होवर कर रहा हूँ तो आपका दिख रहा है ना, मेनू दिख रहा है। ये है डिस्प्ले ब्लॉक और कट ऑन ऑन का यूज, मतलब अक्सर ये मेनू जो मैं किसी भी, मतलब मान लीजिए मैंने पहले इसको डिस्प्ले नन कर दिया, उसको होवर पे चाहे क्लिक पे उसको ब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लॉक मतलब उसको शो कर दिया, दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह विजिबिलिटी हिडन होता है, तो हिडन में क्या होता है, ब्लॉक में क्या अंतर है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। जैसे H1 है ना, H1 को मैंने हटा दिया यहाँ पे ब्लॉक, अभी देख ब्लॉक हेडिंग दिख रहा है, लेकिन अगर हम मैंने इसको डिस्प्ले नन किया तो पूरा गायब हो गया, अपनी स्पेसिंग और पूरा लिख गायब हो गया ना। लेकिन अगर इसको हम विजिबिलिटी हिडन करते हैं, वो दिखेगा तो नहीं बट अपना एरिया रखेगा। अब देख सकते हैं इतनी एरिया ले रहा है ना, वहाँ हिडन हो चुका है लेकिन अपना एरिया कवर करेगा, ये विजिबिलिटी हिडन होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ब्लॉक आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ब्लॉक क्या होता है। इसी तरह से पोजीशन होता है, पोजीशन को यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ये पोजीशन, पोजीशन और ओवरफ्लो सिंपल सा है, एचटीएमएल उसका लिखा है, एक डिबलिया मेन, डिबलिया मेन बॉक्स, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 ये लिया हमने। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं वो देखिए, जो मेन हमारा बॉक्स है, ये जो मेन बॉक्स है इसको हमने दिया बॉर्डर, दिया 2 पिक्सल, विड्थ इतना दे दिया, हाइट इतना दे दिया, पोजीशन इतना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सारा कुछ हमने ये डिफाइन कर दिया। अब देखिए ये आ रहा है ना, क्लियर, देखिए ऐसे दिख रहा है ना। अब यहाँ पर ओवरफ्लो, मैंने बताया था ना आपको पोजीशन रिलेटिव के क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है कि उसके बाहर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए विड्थ 400 दिया हमने, हाइट 200 दिया, तो जो कंटेंट होगा ना इसी के अंदर होगा कि हमने ओवरफ्लो लगा दिया है। ये स्क्रॉलिंग का तरीका है कि कौन से वेव दिखाना है, ओवरफ्लो वाई करना चाहते हैं, एक्स करना चाहते हैं, या ओवरफ्लो ऑटो करना चाहते हैं। देखिए स्क्रॉलिंग करके, मतलब इस जो हाइट हमारा उसी के अंदर है, जो विड्थ है उसी के अंदर है ना, बाहर तो नहीं गया ना। अगर ओवरफ्लो नहीं देते देखिए क्या अंतर आता है, ऐसे बाहर आ गया ना इतना, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन हम वहाँ पर ओवरफ्लो लिखने से इसी डिव के अंदर ये चीज़ फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो बॉक्स है हमारा, ये जो हमारा ये बॉक्स है, मतलब देख सकते हैं मेन डिव है, इसके चाइल्ड है, सारे चाइल्ड है, तो मेन डिव को पोजीशन रिलेटिव दिया हमने, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जो पेरेंट होता है ना, जिसके मतलब पास रखना है हमें, जिसके रिलेटिव रखना है, जिसके अंदर रखना है, तो उसको रिलेटिव लिखेंगे, और जिसको रखना है उसको फिक्स लिखिए, एब्सोल्यूट लिखिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे देखिए जो मेन हमारा है उसको मैंने पोजीशन रिलेटिव लिखा, अब जो हमारा बॉक्स 1 है मैं उसको पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा हूँ,
देखिए क्यों लिखा, मैं इसको आपको रीजन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, अब इसको बॉक्स वन को मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया, सिंपल सी रेड नहीं देना यार, इसको देता हूँ मैं जीरा, दिख रहा है आपको एलो। अब इसको मैंने क्या किया है, जो मेन बॉक्स है हमारा, मेन बॉक्स में चाहता हूँ इस मेन बॉक्स के राइट के बॉटम में दिखे ये, इसको जहाँ चाहे वहाँ दिखा सकते हैं आप। कैसे, सिंपल सा है, हाइट इसको हमने दिया इतना दे दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट किया मतलब एब्सोल्यूट कर दिया, मतलब इस बॉक्स के अंदर ही होगा, एब्सोल्यूट में रहेगा, इस बॉक्स के अंदर रहेगा, देखिए इस बॉक्स के अंदर ही है। अब मैं इसको चाहता हूँ बॉटम से जीरो दिया ना, बॉटम पर जीरो है, राइट जीरो किया, इसको अगर मैं टॉप करूँ देखिए टॉप पे आ गया, राइट की जगह मैं इसको लेफ्ट लिखूँ लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट बॉटम करूँ देखिए, ओह लेफ्ट बॉटम करना है यार, पैडिंग बॉटम नहीं करना है, आ गया ना यहाँ पे। तो मतलब अब देख सकते हैं ना, इस मेन डिप के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, अंदर ही है, ये है पोजिशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का अंतर। ठीक है, अब इसी तरह होता है पोजिशन स्टिकी। अब स्टिकी क्या करते हैं देखते हैं, ये है। अब स्टिकी किस, देखिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, देखिए अब देखना ये स्टिक मतलब स्टक हो गया ना, स्टक को स्टिकी बोलते हैं। जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ तक गया, जैसे इस पर गया स्टक हो गया, देखिए ये होता है पोजिशन स्टिकी। सेम इसी तरह हमारा पोजिशन हो गया, स्टिकी हो गया, मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है पोजिशन एब्सोल्यूट का और ओवरफ्लो का, मतलब पोजिशन एब्सोल्यूट और पोजिशन रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है। समझ लीजिए कि कोई भी आपका सेक्शन है और उसके इर्द गिर्द उसके रिलेटिव ही रखना है, तो सबसे पहले उस जो पेरेंट डिव होगा ना आपका, उसको पोजिशन रिलेटिव लिखिए, बाकी उसका जो चाइल्ड डिव है, चाहे डिव हो चाहे एलिमेंट हो चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, चाहे पी टैग हो एच टैग हो एच वन हो चाहे पी वन हो एस वन है कुछ भी हो, तो उसको आप पोजिशन एब्सोल्यूट लिख के उसके लेफ्ट में रखिए, राइट में रखिए, टॉप में रखिए, मतलब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पोजिशन। पोजिशन के बाद हम देखते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, फ्लोट को आप देख सकते हैं, और फ्लोट का यूज़ अब बहुत कम होता है, मैं आपको बता दूं, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, फ्लोट का यूज़ बहुत कम होता है। देखिए आप देख सकते हैं इमेजेज हैं, इमेज टेक्स्ट है, अब ये देख सकते हैं ये कंटेंट, एक पैरेंट एक डिव लिया है, उसके अंदर एक इमेज कर लिया हमने डिव और एक पी टैग लिया, लेकिन अब इसको देखिए इमेज यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इमेज के जस्ट उसके बाद राइट में दिखे ना, यहाँ पर दिखे, तो कैसे दिखेगा, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, क्या करना है, इमेज जो टेक्स्ट है यह हमने क्लास दे दिया, इसको कॉपी किया, इसको फ्लोट लेफ्ट लिख दिया, सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। देखिए आप आ गए ना यहाँ पे, अब लेकिन जितने उसके नीचे रहेंगे सारे फ्लोट होते जा रहे हैं, इसीलिए फ्लोट नहीं दिया जाता है, अब यहाँ पे आपको क्लियर फिक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं, इमेज कंटेनर को, इमेज कंटेनर को देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको हटाते हैं। इमेज कंटेनर के अंदर क्या है, इमेज है, इमेज वन इमेज टू, इसको देते हैं हम फ्लोट लेफ्ट। अब देखिए इस इमेज के बाद ये आ गया, अब डॉट एम जी टू को भी देते हैं लेफ्ट, आगे ना एक दूसरे लाइन में, मतलब फ्लोट करना है उसको लेफ्ट करना, अगर इसको लाइट राइट लिखेंगे तो राइट चला जाएगा। देखिए
यहाँ आ गया ये, लेकिन आज के टाइम भी यूज नहीं होता क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स जो आया ना, जो प्रॉपर्टी उसके माध्यम से हम बहुत इजीली सब कर सकते हैं, तो ज़्यादातर इसकी जगह तो डिस्प्ले फ्लेक्स ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, और यूज भी होता है। अब हम देखते हैं स्प्राइट इमेज क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्प्राइट इमेज क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है स्प्राइट इमेज। जैसे मान लीजिए स्प्राइट इमेज क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये इमेज है, ये इमेज है। अब इसके अंदर सारे इमेज एक साथ ही है ना, देख सकते हैं ग्रे स्केल में, कलर में। अक्सर आपने देखा हो कि होवर करने पे मतलब जो ब्लैक कलर, जो ब्लैक एंड वाइट होता है कलर आ जाता है, मतलब क्या होता है स्प्राइट इमेज यूज करते हैं उसके लिए। एक ही इमेज के अंदर सारा कुछ रहेगा, कई इमेज लेते हैं, सोशल के लिए ज़्यादा यूज होता है और भी चीज़ों के लिए यूज होता है, छोटे मोटे मतलब इमेजेस के लिए यूज किया जाता है स्प्राइट इमेज के लिए एक बंच बना के। तो इसको यूज कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमने लिया, अब इसको दिखा रहा हूँ, हमने एक यूएल लिया, एलआई लिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा दिखाना है। मैं कैसे दिखाऊंगा, सिंपल सी, बहुत सिंपल से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसे देखिए, देख रहे हैं सारा दिख गया, कैसे दिखा आप सोच रहे हो कैसे दिखा दिया भाई। तो हमने क्या लिया, सिंपल सा, इसको हटाया था, सूरज दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे, हमने यूएल को हमने दे दिया, सो दिया लिस्ट स्टाइल, नन कर दिया, इसके लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, ठीक। अब जो एलआई है, अब जो एलआई है, सारे एलआई को मैंने एक प्रॉपर्टी देता हूँ। एलआई को हमने क्या किया, इसकी विड्थ दे दिया 100 पिक्सल, ठीक है, हाइट दे दिया इसको 100 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड हमने जो दिया, अब देखिए यहाँ पर यही पे है सब कुछ, इसको हमने बैकग्राउंड दिया। क्या, कैसे यूज़ करते बैकग्राउंड, यू आर एन। अब उसका नाम क्या है, स्प्राइट्स, sprites.png, उसका नाम है। इसको मैं देता हूँ पोजीशन 0 से 0 तक, जैसे होता है ना सेंटर देते हैं, टॉप देते हैं, 0 0 दे दिया। और जिसको डिस्प्ले कर दिया हमने इनलाइन ब्लॉक, आप देख सकते हैं इमेज तो आ गया लेकिन सारा सिर्फ फेसबुक का ही दिख रहा है ना। अब इसको सेट कैसे करते हैं, ये तो मैंने सारे एलआई को दिया जितने एलआई है, अब मैंने आईडी लिया है, अब फेसबुक के लिए कैसे लिखते हैं, आईडी फेसबुक के लिए, फेसबुक के लिए क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन हमने जो दिया 0 0 कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड पोजीशन हमने कर दिया 0 0। अब इसी तरह इसका देखते हैं, ट्विटर का, ट्विटर का हो गया, ठीक है, यूट्यूब का हो गया, आपको फ्रेंड्स क्लियर होता जा रहा होगा कि एलिमेंट वगैरह कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब ट्विटर की बैकग्राउंड पोजीशन क्या है भाई, बैकग्राउंड पोजीशन अब कैसे देना है आपको, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ क्या, और इजी कर दूँ आपको कैसे देना है, चलो दिखाता हूँ आपको। अब इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करो ना, सिंपल सा, बहुत सिंपल, ये है हमारा फेसबुक तो हो गया। अब ट्विटर का, ट्विटर का पोजीशन देखते हैं किधर से आ रहा है भाई, देखते हैं यहाँ पर, देखो ये ट्विटर के बाद क्या है हमारा, फेसबुक ट्विटर है ना, देखो ये सिंपल ट्विटर हो गया। उसके बाद क्या, यूट्यूब है, यूट्यूब पे कैसे कैसे आएगा, यूट्यूब के लिए फटाफट 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 देखो ये आ गया। और ये क्या, इंस्टा, इंस्टा कैसे आएगा भाई, आ जाए इंस्टा, सिंपल्स आ गए सारे। अब कैसे क्या करना है, इसको क्लिक कीजिए, जी है ना आपका, मतलब शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए वर्किंग। अब इसके होवर पे हम, मैं चाहता हूँ जो कलर वाला है, जो रंगीन वाला है, ये रंगीन वाला है वो दिखे ना, तो कैसे दिखेगा, अब देखिए
होबर पे मैं देखिए दिखा रहा हूँ, एक तो मैं एलाइक होबर पर ट्रांजिशन ले लिया, अगर ये ट्रांजिशन नहीं लेता हूँ इसको बाद में बताऊँगा ट्रांजिशन क्या होता है, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है ये मैं हटा देता हूँ, आपको सिर्फ फेसबुक का दिखाऊँगा, फेसबुक का क्या मैं सारा दिखाता हूँ आपको लिख के। ट्रांजिशन बस हमने इसको ले लिया, अब इसको होबर पे दिखाते हैं। होबर पे कैसे करते हैं, सिंपल सा, ये होबर। अब फेसबुक को होबर पे क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल सा है। पोजीशन क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन क्या है, 0-2। देखिए देखो चेंज हो रहा है, देखो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना कितना आ जाएगा, देखिए अब होबर हटा दिया, देखो कैसे दिखता है, आ रहा है ना, देख सकते हैं। ये तरीका यूज करने का फेसबुक का हो गया, इसी तरह आप चाहें तो ट्विटर का, तो सारी फंक्शनलिटी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। बैकग्राउंड पोजीशन हमने दिया 0-, ट्विटर का भी बैकग्राउंड पोजीशन हमने दिया, अब ऑलरेडी देख रहे हैं ना ये 105 है, तो इसको उठाइए, तो नीचे वाला उठा देखना है ना, सिंपल। इससे कितना भाई, 210 है यूट्यूब का, यूट्यूब उठाया हमने यहाँ लगा दिया, इसको हमने किया 1-1, इतना पिक्सल कर दिया। इसी तरह इसका ले लेते हम इंस्टा का, सिंपल सा है, बस आपको फ्लो समझना चाहिए। देखिए देख सकते हैं आप, देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मतलब यूज करने का तरीका। अगर मान लीजिए अगर ये ट्रांजिशन ही लगाता ना मैं, देखिए इसका क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं चल रहा ना कुछ कि कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है, जैसे जैसे चल रहा है ट्रांजिशन लगा रहा हूँ तो क्या क्या दिख रहा है आपको। मान लीजिए इसको मैं करता हूँ 8 सेकेंड, देखिए देखिए मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है, दिखा रहा है ना, ये मतलब ट्रांजिशन का फ़र्क पड़ता है। ओके फ्रेंड्स स्पैट्स में जो गए आपके, फिर हम देखते हैं 2D 3D ट्रांसफॉर्म क्या और कैसे यूज होता है, इसको देखते हैं। अभी देखिए कुछ दिख नहीं रहा, कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा, अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैजिक है समझ लो आप, 2D 3D मैजिक है यार, यहाँ तो मैजिक आपका स्टार्ट हो गया पूरा। कैसे स्टार्ट हो गया अब देखो, अभी देखो वर्किंग, ये वर्किंग, ये देखिए ये सारा कुछ मतलब काम कर रहा है ना। अब कैसे कर रहा है इसको देखते हैं। मान लीजिए हमने एक हेडिंग लिया, अब इसको ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन दे दें। ट्रांजिशन क्या होता है, वो टाइमिंग सेट करता है, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा ट्रांजिशन क्या होता है। बैकग्राउंड आपने पढ़ लिया, शेडो इफेक्ट, लिस्ट लिंक, डिस्प्ले देख लिया आपने, पोजीशन देख लिया, ओवरफ्लो देख लिया आपने, फ्लोट, स्पैट इमेजेस, 2D 3D। अब ये क्या करता है कि वो देता है ट्रांसफॉर्म, किस तरीके से आप अपना जो आपका जो प्रॉपर्टी है मतलब जो आपका सेक्शन, उसको कैसे दिखाना चाहते हैं, किस मेथड से दिखाना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि रोटेट करना चाहते हैं, स्केल स्केल, वाई एक्स स्क्यू करना चाहते हैं कि 3D में चाहते हैं उसको रोटेट करना, मतलब ये ट्रांसफॉर्म के फीचर्स होते हैं। और उसको लिए जो उसकी जो हेल्प करता है ट्रांजिशन, क्या करता है ट्रांजिशन में क्या है कि वह डिफाइन करता है स्पीड, अगर इसका जो चेंज हो रहा है ना, उसका स्टेट जब चेंज हो रहा है तो इसको किस स्पीड में देना है, कितना डिले करना है, किस फॉर्मेट में करना है, मतलब देख सकते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग क्या है, लीनियर में करना है कि डिले कितना करना है, कितने ड्यूरेशन में करना है, मतलब सारा कुछ मतलब ट्रांजिशन होता है, मतलब ट्रांजिशन मतलब टाइमिंग उसका हो गया, समझ गए आप। ठीक है ट्रांसफॉर्म मतलब किस तरीके से करना चाहते हैं,
तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्म हाउस की। जैसे मान लीजिए ये सिंपल सा है, एक डिप है हमारा, उस डिप हमने जैसे ये डिप है, मैंने सब पे स्प्रे दे दिया, ये फीचर हमने लगा दिया, ठीक है, ट्रांजिशन दे दिया सब पे, मतलब टाइमिंग्स ऑल पे लिख दिया, इतने सेकंड से चले भाई, ये इसकी स्पीड हो, डिले नहीं लिखा हमने। अब चाहता हूँ जो H1 है, ये जो हेडिंग H1 हमारा, इसको मैंने क्या किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, इसका ट्रांजिशन ऑल 0.8 जैसे किया, और ट्रांसफॉर्म क्या किया, इसको स्केल किया, कैसे आपको इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये फीचर्स कब दिखेगा, जब इसको होवर करेंगे तब दिखेगा, इसका स्केल 1.5 हो गया, कैसे, ये देखिए, देख रहे हैं, ऐसे आपने देखा होगा एनिमेशन, मतलब इस तरीके से होता है, जो हर्ट होता है इस तरीके से ब्लिंक करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह ये बॉक्स ट्रांसलेट है, हमने लिया है बॉक्स ट्रांसलेट, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी बॉक्स ट्रांसलेट, इसको हमने लिया पेस्ट किया, इसकी विड्थ बैकग्राउंड कलर ले लो, बॉर्डर दे दिया हमने। अब इसका होवर पे हमने क्या किया, इसको जो ट्रांसलेट दिया 50 पिक्सल 100 पिक्सल, अब देखिए क्या इम्पैक्ट करता है, इस पर जब होवर करेंगे देख सकते हैं आप, देखिए सेम चीज़ें जो हमारे ये है, रोटेट हम लगा रहे हैं, जो हर्ट जो हमने लिया, हर्ट इमेज दिया हमने, अब इसको रोटेट करा रहे हैं, कैसे, अब अक्सर देखते, देखिए आइकन अगर आप कुछ यूज करते थे इस तरीके से आप रोटेट कराते हैं, क्लियर। उसी तरह आपका 3D सेक्शन, आप 3D में मतलब रोटेट करना चाहते हैं, देखिए रोटेट हो रहा है ना 3D में, इस तरह जो आपका स्केल है, जो स्केल का जो एरिया है, अब इसको देखिए, देखिए आप देख सकते हैं ना, इमेज अगर हम लगाते हैं तो इस तरह होवर करने पर थोड़ा जूम होता है, जूम तो सारा कुछ ट्रांसफॉर्म का है, लेकिन ये जो स्लो हो रहा है ना, ये सब ट्रांजिशन का पार्ट है, बहुत ज़रूरी है, आप देख सकती है इसकी हो रहा है, मतलब यही है ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब स्केल, जूम इन जूम आउट जिसको स्केल बोलते हैं, ये देखिए स्क्यूब कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं जिस एंगल से चाहें जैसे चाहें, ये सारे फीचर्स होते हैं ट्रांसफॉर्म की। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म के बाद, देखते हैं हम अपना एनिमेशन, ऑफ कोर्स एनिमेशन के लिए ही तो मैं अभी तक रुका हूँ यार, एनिमेशन बहुत ज़रूरी है, कितना यूज होता है एनिमेशन का आज के टाइम में, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होता है आज के डेट में एनिमेशन का यूज होता है। एनिमेशन का यूज़ कैसे करते हैं आप देख सकते हैं, मतलब बिना, कहते हैं ना पहले यूज होता था आपका, पहले एनिमेशन के लिए यूज करते थे फ्लैक्स, नहीं फ्लैश, फ्लैश सॉरी फ्लैश यूज करते थे एनिमेशन के लिए, बट आज के टाइम पे CSS खुद एक अपने आप में एक एनिमेशन लेकर आ गया, कैसे देखिए, हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक क्लास लिया डेमो, अब इसको हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं पहले, देखिए ये एनिमेशन है, चल रहा है ना वंडरफुल, लेकिन चल कैसे रहा है भाई, इसको तो दिखाऊं मैं आपको कैसे चल रहा है। हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक डेमो लिया, अब देखिए क्या चल, कैसे चल रहा है, जो हमारा कंटेनर है, ये जो हमारा कंटेनर, उसको हमने विड्थ दिया 100, इसकी हाइट दिया 200 पिक्सल, बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया, पोजिशन रिलेटिव कर दिया, ठीक, इतने क्लियर आपको इसकी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी। फिर इसके अंदर जो डेमो, जो सर्कल हमने लिया, डेमो जिसका नाम लिया, मैं इसको सर्कल डाल सकते हैं, सर्कल डाल दीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं कहेंगे डेमो क्या होता है। सर्कल का 100 विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, बॉर्डर रेडियस उसका 50% कर दिया, पोजिशन एब्सोल्यूट किया, एब्सोल्यूट देना इसलिए क्योंकि इसी के कंटेनर के अंदर चाहिए ना, तो कंटेनर को हमने रिलेटिव कर दिया, अब इस सर्कल को एब्सोल्यूट कर दिया, टॉप से 50 पिक्सल कर दिया, लेफ्ट से बैकग्राउंड कलर, ये सब, और ये एनिमेशन नेम दिया हमने, एनिमेशन नेम ने क्या दिया हमने, सर्कल मूव, ये कुछ भी दे सकते हैं, XYZ दे सकते हैं, एक्स
वाई जेड भी दे दीजिए, लेकिन अब जो भी नेम देंगे ना आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, की फ्रेम में डिफाइन करना पड़ेगा एक्स वाई जेड। इस चीज़ से क्लियर, एनिमेशन ड्यूरेशन किस ड्यूरेशन से करना है, कितना डिले करना चाहते हैं उसमें, एनिमेशन का जो इटरेशन काउंट है इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बार बार चल रहा है ना, इन्फिनिटी वेयर, ठीक है। एनिमेशन टाइमिंग लीनियर है, एनिमेशन फुल मोड जो है नन है, और इसको कैसे एनिमेट करना है फ्रॉम जीरो से लेके टू, मतलब जो एनिमेशन को डिफाइन करने का तरीका होता है फ्रॉम जीरो से लेके हंड्रेड तक होता है, कैसे अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अभी आप देख सकते हैं तो चल रहा है ना, अब इसको थोड़ा सा दिखा दो एनिमेशन क्या होता है। CSS3 एनिमेशन अलाउ एनिमेशन ऑफ द एलिमेंट एस्टिमेट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और फ्लैश, मैंने जावास्क्रिप्ट और फ्लैश यूज़ किए, आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं, एनिमेशन यूज करने के लिए एट द रेट की फ्रेम का यूज करना पड़ता है, और एट द रेट की फ्रेम क्या करता है, शुड हैपन द स्पेसिफाइड मोमेंट ड्यूरिंग द एनिमेशन, फॉर एग्जाम्पल जीरो से लेकर, मतलब जीरो मतलब फ्रॉम, मतलब एनिमेशन देना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है ना, फ्रॉम टू मतलब जीरो से लेके 100% तक देना है, चाहे सी कितना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, मतलब जीरो मतलब फ्रॉम, टू मतलब 100, ओके। जैसे लिए आपने डिब लिया, उसको एनिमेशन नेम दे दिया, ड्यूरेशन दे दिया, टाइमिंग दे दिया, लीनियर एनिमेशन डिले, और कैसे की फ्रेम में कैसे यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, एनिमेशन लिख दिया हमने एग्जाम्पल 5, ये मतलब इस तरीके से यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एनिमेशन का अभी आपको एक और दिखाता हूँ पूरा ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं सर्कल कैसे कर रहा है। अब आपको दिखाता हूँ एक एनिमेशन, ये अपना हमारा जो एनिमेशन एक है, हमने एक सेक्शन लिया बटरफ्लाई सेक्शन, ठीक है। उसके अंदर एक इमेज यूज किया हमने, GIF जो होता है, एक इमेज लिया। अब उसको यूज करने के लिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, लिखूँगा तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मतलब है क्या, यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो कंटेनर, हम बटरफ्लाई सेक्शन को पहले एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने के लिए हमने लिया इसको क्लास में, तो डॉट लगा के हमने इसको एक्सेस किया। अब इसकी विड्थ में देता हूँ 100%, विड्थ 100% दिया, इसको हाइट करता हूँ 100, व्यू हाइट मतलब व्यू मतलब जितना दिखेगा उसका हाइट 100 ले लेगा। इसको पोजीशन देता हूँ मैं रिलेटिव, मतलब सेक्शन काम कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है जो हमारा बटरफ्लाई है इमेज, अब इमेज हम काम करते हैं, तो बटरफ्लाई का ही इमेज है ना, तो बटरफ्लाई सेक्शन ले लेता हूँ, नहीं तो इमेज और भी कहीं अगर पेज में होगा तो यूज हो जाएगा, बट यहाँ पर तो एक ही है। अब चाहें तो इसको क्लास दे सकते हैं, सिंपल सा यहाँ पर अगर चाहें तो क्लास दे सकते हैं, मैं क्लास भी देता हूँ इसको, क्लास और बटर इमेज, ठीक है फ्रेंड्स, बटर इमेज को। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, अब देखिए सबसे पहले इसको हम पोजीशन देते हैं भाई, रिलेटिव रिलेटिव नहीं भाई, इसको एब्सोल्यूट करना है ना, क्योंकि इसके रिलेटिव तो रखना ही है हमें, इसके सेक्शन के अंदर रखना है, तो इसको रिलेटिव कर दिया हमने। अब इसको हम देते हैं लेफ्ट से देते हैं 0, लेफ्ट से 0 दे दिया हमने, इसको बॉटम से हमने दिया, बॉटम से हमने दिया 0। अब इसका एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम इसका नेम दे दिया हमने, कुछ भी दे दिया, बटर फ्लाई कुछ भी दे सकते हैं आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मैटर नहीं है, बटरफ्लाई के कुछ लिख दें या फ्लाई लिख दें, ठीक है। अब इसका एनिमेशन जो ड्यूरेशन है वो दे दीजिए, मैं देता हूँ इसको 5 सेकेंड, ठीक है। अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन बोला कैसे देना है, इसको लीनियर कर देता हूँ मैं, लीनियर कर देता हूँ, ठीक है। एनिमेशन फिल मोड इसका देते हैं, एनिमेशन फिल मोड इसका मैं नन कर देता हूँ, और फिर आता है इसका एनिमेशन इटरेशन काउंट, इटरेशन काउंट में कर चाहता हूँ इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव टाइप पे करता रहे। इसकी विड्थ में देखा था जो हमारा इमेज, इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 150 पिक्सल, ठीक है फ्रेंड्स। अभी एनिमेशन नहीं दिखाया कुछ,
ये तो हमारा इमेज है ना, मैंने बताया ना इमेज है। अभी देखिए उड़ेगा कैसे, अभी तो सब कुछ कर दिया। अब इसके लिए एट द रेट की फ्रेम्स, मैंने बताया इसको लिखना पड़ेगा एट द रेट की फ्रेम्स। अब कहाँ से कहाँ करना चाहते हैं, फ्रॉम बॉटम से, बॉटम से कितना 0%, फ्रॉम बॉटम्स हो गया टू। अगर चाहे एक लाइन में लिखे तो ज़्यादा क्लियर हो, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मेरे को। फ्रॉम हो गया और यहाँ हो गया टू। टू कहाँ से तो कहाँ तक, बी बॉटम से 90% दे देते हैं। अब देखिए आपका एनिमेशन चल जाएगा, 1 2 3। ओह मतलब हद हो गई। फ़ायदा क्या एनिमेशन का, मतलब देख सकते हो मिस्टेक क्या है यहाँ पे, आप पकड़ने की कोशिश कीजिए मिस्टेक क्या है। भाई की फ्रेम किसके लिए लिख रहा हूँ कुछ तो पता चले, कौन से एनिमेशन के लिए लिख रहा हूँ ये तो नहीं पता ना। इस एनिमेशन का नाम लिखना पड़ेगा आपको, 1 2 3। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई कैसे उड़ रहे हैं, ये है एनिमेशन, बहुत ही पावरफुल। आप देख सकते हैं, अब लग रहा है ना कि मतलब अगर यहाँ बैकग्राउंड में आप ब्लू कुछ दे दें, कुछ भी लगा दें, पेड़ लगा दें, प्याज कुछ भी दे सकते हैं बैकग्राउंड, मतलब इस तरीके से होगा, लगेगा कि आपको मतलब एनिमेशन चल रहा है। ये है एनिमेशन रियल में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको दिखाता हूँ एनिमेशन कैसे क्या करते हैं, एनिमेशन नेम क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्लियर कर दूँ, बहुत ज़रूरी है। डिक्लेयर द नेम ऑफ द की फ्रेम, की फ्रेम का जो नाम होता है वो डिक्लेयर करता है। एनिमेशन ड्यूरेशन क्या करता है, वो लेंथ डिफाइन करता है। एनिमेशन टाइमिंग ये आप पढ़ सकते हैं कैसे क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं अपना फ्लेक्स बॉक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई होप कि ये आखिरी भी हो, ठीक है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने एक सेक्शन लिया, उसको कॉलम हटाओ भाई। अब फ्लेक्स बॉक्स आपको समझा दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको टाइम थोड़ा सा दे दूँ। देखिए हमने एक एस्टीमेट लिया, डिव लिया, बॉक्स 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 ये सब लिया, आइकन लिया, आउटपुट दे गया। आप दिख तो रहा है गंदा सा ना, अब इसको ये सी एस एस लिखना पड़ेगा। सी एस एस लिखते हैं, सी एस एस में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटा ही देते हैं, फ्रेश लिखेंगे क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं जो मेरा हमारा जो मेन बॉक्स है, मेन बॉक्स को हमने कॉपी किया, उसके अंदर लिखे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स, गजब एक लाइन में आ गया ये फ्लेक्स। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, समझिए थोड़ा सा इसको, इसकी विड्थ हमने दे दिया 800 पिक्सल कर दिया, बैकग्राउंड इसका दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया से ग्रीन, ऐसे दिख रहा है ना। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। अभी जो हमारा बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी देते हैं, बॉक्स को हमने दिया बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। इसको मार्जिन दिया हमने 20 पिक्सल, पैडिंग दिया इसको 20 पिक्सल, इसका फॉन्ट साइज किया हमने 30 पिक्सल, और उसके बाद इसकी विड्थ किया हमने 200 पिक्सल, इसकी हाइट कर दिया हमने 35 पिक्सल, और इसका टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने सेंटर। देखा, समझ में आया? लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन डिव है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये तो इतना ही है ना, इसकी विड्थ हमने की 800 पिक्सल है, लेकिन ये बाकी तो उससे बाहर जा रहा है। अब इसको कैसे क्या करते हैं, अब दिखाता हूँ आपको फ्लेक्स का कमाल। अब जैसे मान लीजिए ये,
अब जो मेन को मैं लिख देता हूँ, मेन को क्या लिखूँगा, फ्लेक्स रैप, रैप कर देता हूँ भाई, रिवर्स नहीं करना है, रैप करना सिर्फ। अब देखिए 1 2 3, मतलब अपने मेन जो उसका जो डिव है, कंटेनर है, उसी के अंदर उसको रैप कर दिया भाई। उस रैप मतलब उसी के अंदर करना है, बाहर नहीं जाना है, उसको रैप कर देना, उसको तोड़ देना है, ठीक है। इसलिए फ्लेक्स रैप लगाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, बार बार बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझना इस चीज़ को। नहीं तो अक्सर क्या होगा ना, अगर फ्लेक्स रैप नहीं लगाया ना, तो अपने अगर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया तो एक ही लाइन में दिखाने की कोशिश करता है डिस्प्ले, उसको फ्लेक्स एक ही बार करेगा, बिल्कुल सिकुड़ आकर दिखाएगा, बिल्कुल बिना मार्जिन पैडिंग का दिखाएगा, एक साथ ही दिखाएगा। लेकिन आप उसको रैप कर देंगे तो अपने विड्थ के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। फिर इसी तरह होता है इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन, सारा कुछ जो प्रॉपर्टी हम पेरेंट को लिखते हैं, क्योंकि पेरेंट को लिखेंगे तभी तो उसका जो चाइल्ड होगा उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट जो होता है, ऐसे होता है। अगर आप इसको फ्लेक्स ना लिखें, हटा देता हूँ आपको, तो आपका डिप पहले ऐसे दिखेगा ना, बाय डिफॉल्ट दिख रहा है ना। अगर आपने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया और ये कॉलम नहीं लिखा डायरेक्शन उसका, ऐसे दिख रहा है। लेकिन अगर फ्लेक्स डायरेक्शन आप इसको कॉलम में लिख देंगे तब भी आपका ऐसे दिखाएगा, क्लियर। अब इसी तरह क्या होता है, इसी में बहुत सी चीज़ें होती है फ्लेक्स में। ये फ्लेक्स ऑर्डर होता है, नंबरिंग करना, चेंज करना, नंबरिंग ऊपर से नीचे करना है, मतलब सारा कुछ फ्लेक्स का ही होता है। अब आपको जो फ्लेक्स की जो एक और प्रॉपर्टीज उसको बारे उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक और है ना हमारा आइकन, आइकन पे मैं आइकन को देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इसकी हाइट कर दिया हमने 300 पिक्सल, वेट कर दिया 300 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस कर दिया हमने 50%, बैकग्राउंड हमने कर दिया इसको रेड, ठीक है। मार्जिन दे दिया इसको, मार्जिन दे दिया हमने इसको 20 पिक्सल। देखिए बिल्कुल सर्कल के सेंटर में आ गया ना, कैसे है आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मस्त चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। देखिए अब ये है, अब यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स की है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिखाऊँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, सेंटर एंड फ्लेक्स एंड स्टार्ट नियर इट नॉर्मल स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन। अब जैसे मान लीजिए स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड कब यूज होता है, मतलब कई चीज़ लिखा हुआ है, कई डिब है आपका, उसको अभी आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर वाले डिब आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। इसी तरह जस्टिफाई का अलाइन का भी इसी तरह होता है, अलाइन सेंटर है ना, इसको देखिए बेस लाइन एंड फ्लेक्स एंड, मतलब देखिए आप देख सकते हैं क्या इम्पेक्ट कर रहा है। तो हम इसको क्या करें, सेंटर रख रहे हैं, लेकिन वर्टिकल सेंटर हो गया ना, हॉरिजॉन्टल सेंटर कैसे करेंगे, तो जस्टिफाई कंटेंट के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको कमाल की चीज़ भाई, ब्लॉक्स का ये हो गया, पेरेंट क्या करना है ना ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, आप देख सकते हैं स्पेस अराउंड क्या करता है, बिटवीन क्या करता है, बिटवीन क्या किया उसने, दो सेक्शन ले लिया भाई, इसको बिल्कुल इधर कर दिया, लेफ्ट कर दिया, इसको बिल्कुल राइट कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम हेडर वगैरह बनाते हैं ना, मेनूज वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ओके फ्रेंड्स,
तो इसको बहुत केयरफुली समझना है। आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना, जस्ट मतलब फ्लेक्स का जितने फीचर्स हैं उसको जरूर करना। ओके, अब इसके बाद बचता है रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। रिस्पॉन्सिव तो है ना, रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं उसके लिए, रिस्पॉन्सिव के लिए क्या है, सिंपल सा है। अब मीडिया क्वेरीज लिखिए, मीडिया क्वेरीज रिस्पॉन्सिव मीडिया कैसे लिखते हैं, एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ जो भी आपका विथ है, मतलब चाहते हैं आपका आईपैड पैसा दिखे, मोबाइल पैसा दिखे, तो जो भी आपका विड्थ होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो इसके अंदर जो सीएसएस लिखेंगे ना, तो बस इसी विड्थ पे काम करेगा। ये चीज़ क्लियर करो, यानी कि आप मेन बॉक्स अपने लिख दिया तो सब पे काम करेगा, ऐसा नहीं है, बस इसी चीज़ के लिए काम करेगा। ठीक है, अब कैसे, लेकिन रिस्पॉन्सिव कब काम करता है, रिस्पॉन्सिव काम करने का एक ज़रूरी चीज़ जो यूज होती है, आपका पेज रिस्पॉन्सिव तभी होगा जब आप इस मेटा को यूज करेंगे, मेटा व्यू पोर्ट। बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ आपको, अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो मेटा व्यू पोर्ट यूज करना ही पड़ेगा। अगर मेटा व्यू पोर्ट आपने यूज नहीं किया तो आपका पेज रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, चाहे आप लाखों मीडिया क्वेरीज लिख ले, सिंपल सी बात है। जब तक आपने एचटीएमएल में ये चीज़ डिफाइन नहीं किया अपने मेटा नेम व्यू पोर्ट, तब तक आपका पेज रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता है। अब देखिए रिस्पॉन्सिव कैसे होता है, ये अभी ये सिंपल सी बात है कि हमारा बॉक्स कैसे दिख रहा है, बॉक्स टेक्स्ट अभी ऐसे दिख रहा है, ठीक है, मोबाइल पे दिख रहा है आपको, अभी ऐसे दिख रहा है, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिव करना है। मैं चाहता हूँ मोबाइल पे ना ये ऐसे ना दिखे, लाइन में दिखे, मतलब टूट जाए, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, फ्लिक्स डायरेक्शन दिखाएंगे, फ्लिक्स डायरेक्शन कर देता हूँ इसको कॉलम में, सिंपल सा कॉलम हो गया। अब मैं यहाँ पर जो भी चाहूँ कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर देना इसका रेड, रेड, अब देखिए रेड हो गया, सारे फीचर्स जो चाहेंगे वो हो सकता है, मतलब इस मोबाइल व्यू के लिए, सिर्फ मोबाइल के लिए। अभी देखिए चेंज कीजिए ना, देखिए मोबाइल पर मतलब बैकग्राउंड रेड दिखा रहा है, बाकी पे नहीं, डेस्कटॉप पे सिर्फ मोबाइल के लिए, मतलब 480 400 मैक्सिमम 480 दिखा रहा ना, मैक्स विड्थ 480 तक ये प्रॉपर्टी कॉल होगी। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मतलब रिस्पॉन्सिव, मतलब जो मीडिया क्वेरी दिखते हैं। अब जैसे ये येलो दिख रहा है ना, मैं चाहता हूँ भाई मोबाइल पे ये येलो ना दिखे, भाई ग्रीन दिखे, ग्रीन कर दो, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करते जो कलर चाहे, देखिए जैसा चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब इस मोबाइल के लिए। जैसे आपका ये सर्कल दिख रहा है, अब इसको चाहते हैं कुछ और करना चाहते हैं, भाई ऐसा कर दो, ये कलर दे दो, ये कलर दे दो, ऐसा कलर दे दो, ऐसा कर, सिर्फ मोबाइल के लिए ही है, देखिए मोबाइल पे ही होगा। देखिए अभी रेड है, ऐसा कलर आ गया, मतलब ये होता है मीडिया क्वेरीज। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, आई होप आपको सीएसएस कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और एचटीएमएल पढ़ने के लिए मैं एचटीएमएल का वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।